बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू की फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। एक छोटा सा आर्टिकल है ये, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर, मतलब किसी कंडक्टर की रजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, के टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें कि आपका सपोज यहां पे एक जो है ये कोई कंडक्टर है, यहां पे कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये जो ब्लैक कलर की चीजें आपको नजर आ रही है, उस कंडक्टर के अंदर मौजूद एटम्स हैं। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इनकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करने की जो रफ्तार है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस एटम्स वाइब्रेट फास्टर। ये जो एटम्स हैं ये फास्टर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं एंड एम्पलीट्यूड आल्सो इंक्रीज, और इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके इस कंडक्टर से पास आउट होंगे। अब जब एटम्स का जो आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ गया है तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से जब यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन वो पास होंगे तो उन्हें हर्डल पेश आएगी, वो उनके चांस ज्यादा होंगे कि वो इन एटम से कोलाइड करेंगे। तो जब कोलाइजन होगी तो डेफिनेटली जो करंट है उसकी रफ्तार या करंट की अमाउंट कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे जी कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो यही बात यहां पे लिखी है कि एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस एटम्स वाइब्रेट फास्टर एट देयर एम्पलीट्यूड आल्सो इंक्रीजेस। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम्स कोलाइजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी इसके एटम्स के साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली करंट की करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यही इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इन दो कंडक्टर्स की मदद से। जब टेम्परेचर लो होगा बच्चों तो एटम जो वाइब्रेट करते हैं वो स्लो करते हैं, तो यहां से आपके पास अगर ये रेड कलर का मैं बनाऊं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कम कोलाइजन जिनकी होगी और ये कंडक्टर के एक साइड से दूसरे साइड पे पहुंच जाएंगे, मतलब करंट फ्लो करेगा आसानी से कर सकता है जब लो टेम्परेचर है। एट हाई टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि इनकी वाइब्रेशंस बढ़ गई हैं, इनकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम्स कोलाइजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। तो जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली बच्चों आपके पास जो फ्लो है चार्जेस का वो कम हो जाएगा, हम कहेंगे ये करंट कम हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। अब बेटे मैंने यहां पे हमने ओम लॉ में भी देखा था कि जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी इंक्रीज होती है या लीनियर रिलेशन बन रहा होता है तो हम कहते हैं जी के चाहे वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात लिख भी दी है, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको आप ये ग्राफ की मदद से बना सकते हैं कि ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर कंडक्टर की बढ़ती जाएगी। तो ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, तो आपने क्या करना है, ये यही लिखना है, सेम आप ऐसे लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको दो नंबर मिल जाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपके पास जो कोलाइजन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, कोलाइजन के चांसेस इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थैंक यू बच्चों।